तो वहां से मैं फिर से आ गया एक न्यू वीडियो लेकर, और इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्पाइडरमैन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली ये पता चला है कि टॉम हॉलैंड के लिए एक प्लान सेट किया गया है ताकि वो स्पाइडरमैन 4 एंड एवेंजर्स डूम्सडे को एक साथ फिल्म कर सके। जैसे कि हमें पता है कि दोनों ही मूवीज़ का शेड्यूल यानी कि जो प्रोडक्शन शेड्यूल है वो है अर्ली 2025 का, यानी कि अगले साल के स्टार्ट से ही दोनों मूवीज़ पर काम शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ ये भी पता चला है कि टॉम हॉलैंड का ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होगा डूम्सडे में, जितना कि उसका एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में नहीं था, उससे भी बड़ा रोल और इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। तो ये देखने इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि सामने RDJ है और इन दोनों की जोड़ी तो हमें पता ही है, यानी कि स्क्रीन पे देखने की आदत हो गई थी। तो देखने को मज़ा आएगा कि इन दोनों का इंटरेक्शन किस तरीके से होता है। वैसे 2025 में टॉम हॉलैंड को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कहा दोनों ही फिल्म को शूट करने वाले हैं, और 2026 में उन्हें बस बैठ के मज़ा लेना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर होगा उनके लिए, बहुत चर्चा होने वाला है स्पाइडरमैन का तब। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जैसे कि मैंने कहा, मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ एवेंजर्स डूम्सडे को। देखो ना, सिर्फ एक ही साल बचा है, यानी कि एक ही साल का गैप है, कितने नज़दीक है हम। और टीज़र ट्रेलर वो सब भी देखने मिलेगा अगले साल को ही। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है मुझे ये सोच के। तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा है बंदी वो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो।